हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका चोपड़ास किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक नए तरीके का नाश्ता, बहुत ही ज़बरदस्त, बढ़िया, इजी, कोई भी बना सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए मैंने ये एक प्याज लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है, थोड़ा हरा धनिया है, एक हरी मिर्च है, और बाकी इसमें जो है नमक मिर्च और अजवैन डलेगी, तो ये सब इसमें डलेगा। थोड़ा सा तेल चाहिए होगा इसको सेकने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप्ड करना है, बारीक बारीक इसको काट लेंगे हम। तो चलिए काट लेते हैं हम प्याज को फटाफट। तो बारीक बारीक हम इसको प्याज को काट लेंगे। तो ये हमने जो है सब प्याज, अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया बारीक बारीक काट लिया है। अब जो है इसमें हम मसाला, नमक मिर्च वगैरह जो भी डालना है वो डाल देंगे। तो चलिए डालते हैं इसमें। तो अब हम जो है इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, धनिया प्याज को, और इनमें इसमें अदरक भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये जो है हमने कर ली है मिक्स। अब इसमें हम डाल देंगे जो जो चीजें हमें इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो ये मैं अजवाइन लिया, मैंने लगभग आधी चम्मच, छोटी चम्मच इसको इसमें डाल दूंगा मैं। फिर इसमें थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। भाई, आपको लाल मिर्च ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, ये सॉल्ट जो है हम इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे। भाई, इस हिसाब से डालेंगे कि जो नमक तेज ना लगे। तो ये हमने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे सही से बिल्कुल। तो ये जो है जब तक इसमें नमक वमक का टेस्ट जो है सब में ऐड हो जाएगा। अब इसमें जो है हम मिर्ची भी डाल देते हैं थोड़ी सी। तो ये मिर्ची भी हमने इसमें डाल दी है। अब जो है हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमने आटा लिया है, ये आटे को हमने अच्छे से बेल लिया और गूंद लिया था। तो अब जो है हम इसको जो है शुरू करेंगे बनाना। तो इसके लिए हम जो है आटे की बड़ी सी पेड़ी लेंगे, बड़ी सी पेड़ी हम ले लेंगे इसके लिए। तो ये हमने बड़ी सी पेड़ी ले ली है, अब इसे हम बेलते हैं। तो अब हम इसे जो है बेलेंगे, बिल्कुल हमें पतला पतला इसे बेलना है। पतला पतला जो है हम इसको बेल देंगे। तो ये जो है नाश्ता बहुत इजी है बनाने में, कोई भी बना सकता है, मतलब कि उसे ये डर नहीं रहेगा कि भाई हमसे ये नाश्ता बनने का नहीं, कोई भी बना सकता है इसे बहुत इजी। तो ये देखिए हमने इसको जो है पूरा काफी बड़ा बेल लिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, हमें एक लेनी है कटोरी। तो इस कटोरी से हम जो है इसको, इसके ये जो है काट लेंगे शेप दो। तो इसको अच्छी तरह हम प्रेस कर देंगे और ऐसे घुमा देंगे कटोरी को, जिससे कि ये इजीली कट जाएगा। तो देखिए एक हमारी शेप कट चुकी है, अब हम दूसरी शेप भी इसकी निकाल लेते हैं यहीं से। तो इसको भी ऐसे हम दबा देंगे और इसकी भी हम निकाल लेंगे शेप, जिससे कि ये अच्छी तरह कट जाए। तो ये हमारी जो है शेप निकल चुकी है। तो अब ये जो हम एक्स्ट्रा जो है हमारा, ये इसको हम अलग कर लेंगे बिल्कुल आटे को, और ये हमारा वेस्ट नहीं होगा, इससे भी हमारा कुछ बन जाएगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं।
अब जो है हम शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। तो ये अब हमारे जो हैं हमने काट लिए थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें हल्का सा इस पे जो है थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है इस पे, दोनों पे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, एक एक दो दो बूंद आप तेल इस पे लगा लेंगे अच्छी तरह। और जो है अब ये हमने जो फिलिंग्स बनाई थी, फिलिंग्स हम इसमें लगा देंगे ऐसे ऐसे करके, अपने हिसाब से फिलिंग्स लगानी है कि भाई जितनी इसमें आ सके। अब ये हमने इसमें फिलिंग्स लगा दी है, तो ये हमने फिलिंग्स भर ली थी। अब हम इसको जो है साइडों में थोड़ा थोड़ा हम एक एक बूंद पानी लगा देंगे इसके किनारी पे, जैसे कि हम समोसा बनाते हैं जब इसके कोनों पे पानी लगाते हैं, तो ये पानी से जो है ये चिपक जाएगा आपस में। अब हम दूसरी फिलिंग्स को इसके ऊपर पलट के इसको ऐसे रख देंगे और इसको हम साइडों से पैक कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने कर दिया है पैक, अब ये हमारा बनने के लिए तैयार है। तो अब हम ऐसा ही एक और बनाकर रख लेंगे और फिर हम इसे सेकेंगे। तो हमने देखिए ये दूसरा भी बनाकर रख लिया है, तो अब हम जो है इसे तवे पे सेकेंगे। अगर आप इसको मैदे का बनाएंगे तो आप इसे तल भी सकते हैं, क्योंकि हमने साइडों से इसे पैक कर दिया है तो ये फटने का नहीं, लेकिन हम इसे फिलहाल तवे पे बना रहे हैं तो हम जो है अब इसको सेक लेते हैं। तो देखिए हमने तवा जो है गरम कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से तवा गरम होना चाहिए। तो आँच जो है हमने ज़्यादा तेज नहीं रखी है, क्योंकि ये चिपक के फट भी सकता है। तो अब हम जो है इसको तवे पे डाल देंगे और इसको थोड़ी देर सिकने देंगे, लगभग 15 से 20 सेकंड। तो ये जब सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। तो देखिए अब 15 से 20 सेकंड हमने इसे सेक लिया था एक साइड से, अब जो है हम इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और जब तक हम इस पे एक साइड पे लगा देंगे तेल, जो सा भी आपके पास तेल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लगा दिया हमने तेल, अब हम दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। तो दूसरी साइड से भी हमारा सही से ये पक चुका है, तो अब हम इस साइड भी हम तेल लगा देंगे अच्छे से, जिससे कि ये दोनों साइड से बराबर सिक जाए, कच्चा ना रहे कहीं से भी। तो ये हमने जो है इधर से भी तेल लगा दिया है। अब देखिए हमारा कितना जबरदस्त नाश्ता बन के तैयार है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये, और बिल्कुल करारा बना है ये, बहुत ज्यादा खस्ता बना है, जो कि सबको पसंद आएगा। तो बिल्कुल शेप भी देखिए गोल आ गई है। तो इसे जो है आप अच्छे से सेक लीजिए, जिससे प्याज वगैरह भी अंदर थोड़े से इसमें कैरमलाइज्ड हो जाएंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। आप इसमें बटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बटर वगैरह सब डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, इसे आप सॉस के साथ या चटनी के साथ या घी डाल के भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस अगला वाला भी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम जो है दूसरा वाला भी इसको आराम से डाल देंगे हम इस पे, और इसको भी हम एक साइड से 10 से 15 सेकंड तक। तो अब इसको भी हम पलट देंगे, देखिए एक साइड से हल्का हल्का सिक चुका है ये। अब हम इसको जो है तेल लगा देंगे इस पे, आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं और बटर में भी इसे बना सकते हैं, तो दोनों में ही अच्छा लगता है ये। अब दूसरी साइड से भी हमारे 10-15 सेकंड हो चुके हैं, अब हम फिर से इसे पलट देंगे और इसको दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगाकर इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा जो है बिल्कुल खस्ता और करारा नाश्ता बन के तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये नाश्ता कैसा लगा, इसके बारे में जरूर
प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो ये देखिए हमारा ये भी बिल्कुल अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक चुका है, तो अब हम इसे भी हटा लेंगे, यहाँ से प्लेट में रख देंगे। और ये भी हमारा तैयार हो गया बनके, गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए हमारे ये नाश्ता बिल्कुल रेडी है बनके, बहुत ही टेस्टी बना है, मज़े आ जाएंगे खाने में। इस तरीके से आप भी जो है फिलिंग्स भरकर, कुछ भी फिलिंग बनकर आप ये बना सकते हैं नाश्ता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा नाश्ता, तो इसे आप ट्राई कीजिए जल्दी से और मुझे कमेंट करके बताइए आपको और क्या क्या खाने में पसंद है। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक देखते रहिए चोपड़ास किचन। थैंक यू एंड बाय बाय।